सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 के सभी विद्यार्थीगण कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि जो हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता और उसके प्रश्नोत्तर वगैरह पढ़े हैं आप सभी ने अपनी कॉपियों में नोट कर लिए होंगे और किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और यदि अभी भी किसी को कोई कहीं समस्या है तो वह लोग उनसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज आपकी क्लास से किसी बच्चे ने कमेंट करके मुझसे मेरा संपर्क सूत्र प्राप्त करने के लिए कहा है, मैं आपको अपना व्यक्तिगत जो मोबाइल नंबर है वो बताने जा रहा हूँ, इसको ले लीजिए। और आप लोग जो भी समस्या हो व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम पर या फिर फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इस पर संपर्क करके आप सभी लोग अपनी सारी समस्याएं शांत कर सकते हैं, जो भी जिज्ञासा होगी उसको मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा वर्तमान काल के एक लेखक हैं। सन 1948 में इनका जन्म हुआ है और ये अभी जीवित हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं की ओर हम लोग थोड़ा सा रुख करें। देखिए तो इनकी सबसे पहली कविता है जनता का आदमी। पहली रचना है जनता का आदमी। 1972 में इनकी एक और किताब प्रकाशित हुई थी भागी हुई लड़कियां, फिर खूनों की बेटियां और दुनिया रोज बढ़ती है, ये एकमात्र इनकी कविता का संग्रह है। इनको राहुल सम्मान और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, 70 से 80 के दशक में यानी 1970-1980 के आसपास के समय में इनकी बहुत सी ऐसी कविताएं थी जो उस काल के लोगों को याद हो जाया करती थी। छोटी छोटी कविताएं थी, लोग आमतौर पर गाते रहते थे, काफ़ी लोकप्रिय हुई थी इनकी रचनाएं। उन्हीं में से एक रचना इनकी है पतंग, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोग बताइए कितने लोगों ने पतंग उड़ाई है और कितने उड़ाते हैं, कब। ध्यान दीजिए, पतंग कब उड़ाई जाती है इस पर चर्चा करें हम लोग थोड़ी सी। बरसात बीत जाती है तो लगभग दुर्गा पूजा का मौसम आ जाए, उसी को शरद ऋतु कहते हैं। ठीक है, शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर का समय, तभी से पतंग शुरू होती है और असली मौसम दिसंबर और जनवरी होता है। मकर संक्रांति वगैरह पर खूब पतंगें उड़ाई जाती हैं, आप जानते हैं। तो पतंगों का त्यौहार सा बन गया है मकर संक्रांति आज के समय में। तो देखिएगा क्या है कि पतंग उड़ाने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि जब एक बच्चा खेलने के लिए चलता है तो वो सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों नहीं कह सकते हैं, अपने साथ के 10-5 जो भी बच्चे उसके ग्रुप में होते हैं सबको आवाज़ लगाता निकलता। जब ये धनवा साहब ने लिखा उस समय आज के जैसे ये वीडियो गेम्स, ये मोबाइल, ये टेलीविज़न इतने नहीं थे, तो क्या होता था साइकिलें हुआ करती थी। तो जिसके पास साइकिल रहती थी वो बच्चा ऐसे निकलता था और अपने साइकिल की घंटी बजाता हुआ जाता था। घंटी बजाने से क्या होता था, बाकी के बच्चे जान जाते थे, पहले से इतना ही रहता था कि आएगा बुलाने घंटी बजाएगा, तो बिना बुलाए घंटी सुनकर के दौड़े चले जाते थे। कोई देख लेता तो उसको चिल्ला कर बुलाता है चलो खेलने, ऐसा कुछ। तो शरद ऋतु जो है वो भी कुछ इसी तरह से मन को प्रेरित करती है, मानो शरद ऋतु जो है वो हमारे मन को, हमें भी बुला रही हो खेल कूद करने के लिए। बड़ा आनंद आता है, जैसे आप देखिए इस गर्मी में प्रचंड गर्मी होगी जब मई जून की, तब हम लोग बड़े व्याकुल हो जाते हैं। फिर जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने तो सर्दी गर्मी, ऊपर से बरसात, कीचड़, घास फूस, इधर उधर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, लाइट जले तो कीड़े आ जाते हैं, मच्छर, फिर मेंढक वगैरह रास्ते में, तमाम चीज़ें असुविधाएँ, सड़कों पर पानी हो जाता है, कीचड़ कचरा, तो बचते हैं। लेकिन जब शरद ऋतु आती है, ठंडी का धीरे धीरे शुरू होता है, जैसे इस समय बसंत बीज बीता, ऐसे ही जब उधर शरद आता है तो वो भी समय होता है बरसात बीत जाती है, कीचड़ सूख जाती है, सड़कें साफ, आसमान बिल्कुल साफ, बादल नहीं होते, ना कोहरा ना बादल। बीज का समय भी 2-3 महीने का, 1.5 महीने का होता है शरद ऋतु का। उस समय में क्या होता है, गाँव में धान वान कट चुके होते हैं, गेहूँ की तैयारी और सरसों बुआई की तैयारी हो रही होती है, तो वह बहुत खेलने कूदने का, जो बच्चे बरसात भर घरों में रह चुके हैं, परेशान हो गए हैं,
जैसे इस समय लॉकडाउन में रहकर परेशान हैं, ऐसे ही बरसात में जो मैदानों में खेल नहीं पाए, बरसात हो गई, कीचड़, एक दिन पानी कस के बरस गया तो कई दिनों तक, हफ्तों तक पानी सूखता नहीं उधर, फिर पानी सूखा तो घास बड़ी हो गई, मैदानों में खेल नहीं पाए, वो शरद ऋतु आने पर उसमें पहुँच जाते हैं। तो शरद ऋतु क्या है, बच्चों के मन को प्रेरित करती है पतंग उड़ाने के लिए, खेलने के लिए। पतंग शीर्षक की इस कविता में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने बरसात के खत्म होने का वर्णन किया, कहते हैं आलोक धनवा साहब कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें, बौछार मतलब पानी की जो फुहारें थी बरसात में, भादो का मतलब भाद्रपद महीना, ठीक है, जो भादो शब्द है आप 12 महीनों के नाम जानते होंगे, हिंदी में जो होता है भादो जो है इसको शुद्ध क्या कहते हैं, भाद्रपद कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका भाद्रपद का महीना है, ये लगभग कृष्ण जन्माष्टमी जब पड़ती है, अगस्त, आधे अगस्त से आधे सितंबर तक का समय ये होता है भाद्रपद। तो है क्या इसमें बरसात, किसी में ये बरसात का अंतिम महीना होता है, समाप्त हो जाती है, तो चारों ओर पेड़ पौधे तो खूब हरे भरे हो जाते हैं, पानी ही पानी होकर, लेकिन फुहारे इसी में धीरे धीरे भादो बीता तो समाप्त हो गई। शरद ऋतु आती है, आप जानते हैं जो काश वगैरह के सफ़ेद सफ़ेद फूल आप देखते हैं गांव में, सड़कों के किनारे काश के पेड़ होते हैं, उनको फूल आ जाते हैं, बड़े सुंदर दिखाई पड़ती है काश वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो आसमान साफ हो गया, तो वैसे ही उसकी वर्णन करते हैं, उसी का प्राकृतिक दृश्यों का लिखते हैं कि प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ बच्चों का मनोभाव कैसे चंचल हो जाता है, इसी का वर्णन करते हुए लिखते हैं आलोक धनवा जी कि सबसे तेज बौछारें गई भादो बीता और सवेरा हुआ। भाद्रपद बीत गया, दूसरे दिन सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, अर्थात शरद ऋतु में जब सूर्य निकला, ऐसा नहीं कि आज भादो खत्म हुआ कल ही सूर्य निकलेगा, ऐसा नहीं, एक दो दिन चार दिन बादल रह सकते हैं, लेकिन कहते हैं जब सूरज निकला चमकता तब वो है कैसे, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, लाल सवेरा सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, पूरी पूरब दिशा लाल हो चुकी है, तालाबों में नदियों में नीचे जो पानी बह रहा है उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो भी लाल चमकने लगता है, और खरगोश की आंखें भी लाल लाल होती हैं, तो कहते हैं वो खरगोश की आंखों की जैसे सुर्ख लाल रंग का सवेरा हुआ, सुबह का वातावरण चारों तरफ सूर्य की लाल रंग से लाल लाल दिखाई देने लगता है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अभी जैसा मैंने कहा कि एक बच्चा साइकिल चलाते हुए पतली पगडंडी हो या चौड़ी सड़क हो, कहीं पुलिया पड़े उस पर भी खूब जोर से एकदम पूरे फुल एक्शन फॉर्म में उसको उछालते हुए लेकर के दौड़ा दौड़ा आता, घंटी बजा बजा कर सबको बुलाता, चलो खेलने चलो खेलने। ऐसे ही शरद ऋतु भी मानो उस मौसम में प्रकृति के साइकिल पर सवार होकर के चिड़ियों की आवाज रूपी घंटी को बजाते हुए सबके मनों को प्रसन्न करते हुए, प्रफुल्लित करते हुए, सूरज जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा आसमान में, मनो आसमान रूपी पुल पर चढ़ करके वह समय, वह शरद ऋतु रूपी जो बालक है वह अपनी ऋतुओं के मौसम रूपी साइकिल पर बैठ कर पक्षियों की आवाज के समान घंटी को बजाते हुए वो चल पड़ा है, बच्चों के मन में यह प्रेरणा जगाने कि चलो पतंग उड़ाई जाए, ठीक है। कहते हैं कि चमकीली इशारों से बुलाते हुए वो चमकीली साफ धूप, स्वच्छ मौसम, साफ आसमान के माध्यम से मानो बच्चों को प्रेरित कर रहा है कि आओ चलो खेलने, आज मौसम साफ है, आज का दिन बहुत अच्छा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से वह बुलाते हुए, मानो वही साफ आकाश देख करके, चमकीला इशारा क्या है, आकाश की स्वच्छता, उसी को देखकर मानो पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को बुला रहा है, शरद ऋतु बुला रही है कि आओ आकाश में पतंग उड़ाओ, आज कोई आंधी पानी, कोई तूफान, कोई बादल नहीं है, आसमान साफ है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे है, हवा बहुत धीरे धीरे बह रही है, पतंग बहुत अच्छी सी उड़ेगी, आंधी चलेगी तो पतंग नहीं उड़ेगी, हवा ना चले तो भी पतंग बहुत मुश्किल से ऊपर जा सकती है, उनमें थोड़ा बहुत फिर नीचे आ जाएगी, लेकिन हल्की सी हवा चले तो पतंग बहुत अच्छी उड़ती है। तो वही स्वच्छ आकाश के माध्यम से मानो शरद ऋतु बुला रही है, अक्टूबर का महीना बुला रहा है बच्चों की कि आओ पतंग उड़ाया जाए, मेरा मौसम आ गया है, पतंग का दिन आया है। कहते हैं आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए
पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु ने आसमान को मुलायम बना दिया, मुलायम मतलब साफ और सुंदर, बादल बिल्कुल नहीं है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही हो तो उसमें बच्चे पतंग थोड़े उड़ाएंगे, जब आसमान साफ होगा तब उड़ाएंगे। तो आसमान को मुलायम कर दिया, हर तरफ कोई हल्की सी हवा है, उसमें बादल और बिजली जैसी आंधी पानी जैसी कोई चीज नहीं रह गई है, जिससे कि पतंग हवा इतनी आसान भी है कि पतंग धीरे धीरे ऊपर को उठ सके, उड़ सके पतंग को, और दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग जो है वो दुनिया की एक हल्की सी चीज है, सबसे हल्की तो नहीं कह सकते, उससे भी छोटी हल्की वाली वस्तुएं हैं, लेकिन वो एक हल्की चीज है। आसमान में जितनी भी चीजें उड़ती हैं उनमें पतंग सबसे हल्की चीज है, आप जान सकते हैं, जैसे हवाई जहाज मनुष्य उड़ाता है तो वो तो हल्का है नहीं, हेलीकॉप्टर हल्का है नहीं, अंतरिक्ष यान हल्के नहीं है, रॉकेट यान हल्के नहीं है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज जो मनुष्य उड़ाता है अपने हाथ से बना करके वो हल्की नहीं, सबसे उनमें सबसे हल्की क्या है, पतंग है। पेड़ पौधे मतलब जो पक्षी उड़ते हैं आकाश में, पेड़ पौधे नहीं, पर पौधों की तो पत्तियां जाती हैं, जो पेड़ मतलब पक्षी चिड़ियाएं उड़ती हैं, जो चिड़िया जो पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं वो मनुष्य के बनाए नहीं है, इसलिए उसको नहीं कहा है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग रंग बिरंगी होती है, जो अपने हाथ से कागज की पतंग बनाते हैं, आप लोगों ने भी शायद बनाई हो, भाई हमने तो बनाई है, उन्होंने उसमें क्या करते हैं, वो धनुष के आकार में बांस की पतली सी लकड़ी को मोड़ करके एक लकड़ी को लगाते हैं, धनुष के आकार का टेढ़ा, और एक को तीर के आकार में ठीक उसके बीच पर रख दिया जाता है, कागज को वर्गाकार काट कर टेढ़ा करके उसी पर सेट किया जाता है, संजो करके रखा जाता है, और तब पतंग बनाते हैं, उसकी लंबी पूंछ करते हैं, बड़ा सा धागा लगा कर उड़ाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वही कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, इसके लिए शरद ऋतु ने आकाश को स्वच्छ कर दिया है, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कमानी माने होता धनुष, कमान कहते हैं धनुष को, ऐसे धनुष झुका हुआ होता है ना, इसीलिए उसको कमान कहते हैं, आप जानते हैं पतंग का आकार जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, पूरी तरह तो नहीं बना सकता, ऐसे कुछ इस पर यहाँ से लेकर के ऐसे कमानी के आकार में, ये धनुष के आकार में एक लकड़ी होती है, दूसरी लकड़ी यहाँ होती है, हम लोग पतंग को एक धागे से ऐसे यहाँ जोड़ते हैं इसको, और इसी धागे में बांध करके एक डोरी लगाते हैं जो पतंग को उड़ाती है, यहाँ से पतंग की पूंछ को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, दुनिया की सबसे हल्की चीज, सबसे रंगीन चीज, जहाज जो उड़ेगा वो शायद एक रंग का होगा, लेकिन पतंग कई रंगों की है, सबसे हल्का कागज है, कागज नहीं तो पतली सी पन्नी है, प्लास्टिक को उड़ा लेते हैं वो उड़ सके, बांस की पतली लकड़ियों से बनी हुई ये धनुष, ये कमानी जो पतंग के साथ को सहारा देती है, ये उड़ सके, और जब पतंग उड़ती है तो शुरू हो सके सीटियां किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शरद ऋतु के आने पर क्या होता है, जब बच्चे पतंग उड़ाएंगे तो सीटी बजाएंगे, चाहे उसे बजाओ चाहे बजाने का कोई अपना वो भी इंस्ट्रूमेंट लेकर के कोई साधन लेकर वाद्य यंत्र वो बजावे, सीटी बजाएंगे, तालियां बजाएंगे, ताली बजाते हुए जब हंसता है कोई उसको कहते हैं किलकारी मारना, बच्चे ताली बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, किलकारी मारेंगे, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, देखिए शरद ऋतु में भी तितलियां बहुत आती हैं, जो फूल खिल जाते हैं बरसात के बाद, क्योंकि बरसात में सारी दुनिया के सूख चुके पौधे जो हैं पत्तियां गर्मियों में जिनकी सूख गई हैं वो भी हरे हो जाते हैं, उनमें भी फूल आ जाते हैं शरद ऋतु में, तो उन पर तितली मंडराने लगती है, तो कहते हैं वो तितलियों की दुनिया, और बच्चे तितली को भी पकड़ते हैं और बच्चे भी तितली के जैसे ही कोमल होते हैं। कभी कहता है ऐसी ऋतु है शरद ऋतु, बरसात के बीतने पर शरद ऋतु आती है, जैसे कोई बच्चा साइकिल पर बैठ करके घंटी बजाते हुए पुल को पार करके पगडंडियों से होता हुआ चिल्ला कर बच्चों को खेलने के लिए बुलाए, ऐसे ही मानो पक्षियों की आवाज़ सूरज के उगने और ठंडी और हल्की हवा के माध्यम से, साफ है आकाश के माध्यम से, मानो शरद ऋतु बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुलाती है। शरद ऋतु ने बच्चों के लिए पूरा मौसम बदल के रख दिया है, आसमान साफ है, हल्की हवा चल रही, धीरे धीरे हवा चल रही है, जिससे दुनिया की सबसे रंगीन, सबसे सुंदर, सबसे हल्की और कागज की बनी हुई और धनुष बांस की लकड़ियों के हल्के छोटे छोटे पत्तियों से, बांस की पतली पत्तियों से बनी हुई जो धनुष के सहारे उड़ने वाली पतंग है वो आसानी से बच्चे
उड़ा सके, ऐसा मौसम बना दिया है शरद ने। और बच्चे जब पतंग उड़ाएंगे तो सीटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे, वह तितलियों का मौसम होगा। कुछ प्रकृति के द्वारा बनाई गई तितलियाँ और कुछ बच्चे जो तितलियों की तरह कोमल होते हैं, उनके हंसने खेलने का मौसम होता है शरद ऋतु ने वह मौसम बच्चों के लिए बना दिया है। आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद इस कविता के शेष भाग को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, मैंने नंबर अपना बता दिया है, किसी ने कमेंट में पूछा भी है कल के वीडियो पर, जिसको आगे और कुछ समस्या होगी वो मुझे बताएंगे। ठीक है।